दोस्तों, समुद्री जहाज के बिना हमारी जिंदगी अधूरी है, क्योंकि 90% ट्रांसपोर्टेशन समुद्री जहाज के माध्यम से किया जाता है, जो कि एकदम सही है। आजकल ये कार्गो जहाज हर चीज को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए यूज होते हैं, जैसे पेट्रोल डीजल से लेकर अनाज तक, जो हमारे भोजन की आवश्यकता को पूरा करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर कोई जहाज दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए आज के इस वीडियो में चलिए जानते हैं कुछ ऐसे बड़े हादसों के बारे में जिसमें कार्गो जहाज अचानक दुर्घटना के शिकार बन गए हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, नहीं तो अगले वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा आपको। गोल्डन राइन साउथ कोरियन शिप थी जिससे हुंडई कार कंपनी गाड़ियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता था। 8 सितंबर 2019 को 4300 ब्रांड न्यू किया और हुंडई कार को लेकर जा रहा था, लेकिन समुन्द्र के बीच में इस शिप का स्टीयरिंग सिस्टम खराब हो गया। शिप अचानक से दूसरी दिशा में घूमने लगा, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी शिप को संभाल नहीं पा रहे थे। कुछ मिनटों बाद गोल्डन राइन तिरछा हो गया और इसके अंदर पानी भरने लगा, और उसी दौरान इस शिप में मौजूद वाटर पंप को चलाया गया ताकि पानी बाहर निकलते रहे, लेकिन गोल्डन राय वापस सीधा नहीं हो पाया। जहाज एक तरफ प्लेट जाने के कारण जहाज पर मौजूद ड्राइवर ग्रुप के 4 सदस्य ऑपरेटिंग रूम में ही फंस गया, जिसे बचाने के लिए इस शिप के पटवा को काट दिया गया। जहाज के अंदर मौजूद सारे कार एक दूसरे से टकरा कर पूरी तरह से डैमेज हो चुके थे, और गोल्डन राय से बहते तेल ने भी आग पकड़ ली, जिस वजह से जहाज भी पूरी तरह से नष्ट हो गया। बाद में जहाज को 8 अलग अलग हिस्सों में काट कर समुद्र से बाहर निकाला गया, लेकिन इसमें अधिकतर कार जलकर राख हो चुके थे। लेकिन दोस्तों, इसके बारे में आप क्या क्या ख्याल है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उसके बाद दोस्तों, एक्सप्रेस पेरल एक सिंगापुर सुपर इको 2700 क्लास कंटेनर कार्गो जहाज थी। ये जहाज फरवरी 2021 में अपनी सर्विसेज को शुरू किया था, और हैरान कर देने वाली बात है कि लगभग 3 महीने के बाद इसका विनाश हो गया। एक्सप्रेस पेरल लगभग 610 फीट लंबा था। वैसे एक्सप्रेस फीडर्स नाम के एक बड़े ग्रुप द्वारा चलाया जाता था। 20 मई 2021 को श्रीलंका के कोलंबो तट पर एक्सप्रेस पेरल में एक भयानक आग अचानक लग गई। इस टाइम इस जहाज पर 1400 से अधिक कंटेनर रखे गए थे। इन कंटेनर्स में सुंदरता उत्पादन बनाने के लिए 25,000 टन रासायनिक माल था। इनमें रासायनिक सामग्री मौजूद थी, और ये सारा मटेरियल हाईली एक्सेप्टेबल था। माना जाता है कि आग नाइट्रिक एसिड के कंटेनर में से भीगने की वजह से शुरू हुआ था। एक कंटेनर कई दिनों तक भीग रहा था, और जहाज पर मौजूद क्रू मेंबर्स इस भीगाव को रोकने में असफल रहे। जब जहाज श्रीलंका के कोलंबो तट के पास आया, तब कुछ एक्सपर्ट श्रीलंका से बुलाया गया था कंटेनर के विगप को रोकने के लिए, लेकिन जब तक एक्सपर्ट टीम जहाज तक पहुंचते हैं, एक्सप्रेस पेरल भयानक आग में लिपट गई। तत्काल 27 मई 2021 की रात तक श्रीलंका फायर ब्रिगेड ने जहाज पर लगी आग को काबू कर लिया, और जहाज में फंसे 25 लोगों को भी सुरक्षित टूर पर निकाल लिया गया। लेकिन मजबूत हवा और हाईली एक्सेप्टेबल केमिकल सब्सटेंस के कारण बुझी हुई आग फिर से जल उठी। लगभग एक हफ्ते तक लगातार जलने के बाद अंत में एक्सप्रेस पेरल 2 जून को समुद्र के गहराई में डूब गया। श्रीलंका की पूरा राजधानी कोलंबो इन एक्सप्लोजन से गुजर रही थी। माना जाता है कि इन एक्सप्लोजन की वजह से जहाज में एक से अधिक गाड़ियां हो गई, जिसके कारण एक्सप्रेस पेरल का डूबना तय हो गया था। इस हादसे को श्रीलंका के इतिहास सबसे बुरी समुद्र आपदा माना गया था। समुद्र के पानी में घुले हुए जहरीले रासायनिक की वजह से करोड़ों मछलियों और अन्य समुद्री जीव मर गए अगला 6 महीनों तक इस पूरे क्षेत्र में मछली पकड़ना बैन कर दिया, जिसके कारण आसपास के लगभग 10,000 मछुआरों के परिवार को भारी आर्थिक समस्या आया। तो दोस्तों, यही था आज का वीडियो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक आप लोग लिफ्ट वाला वीडियो जाकर देख सकते हो।